मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो करने जा रहे हैं, इसलिए आपने इसको बड़े ही तवज्जो से और इसको साथ साथ आपने जो है वो लर्न करते जाना है। आज का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है स्ट्रक्चर ऑफ आइस। हमारे एनुअल एग्जामिनेशन में सवाल बहुत दफा आ चुका है कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक मार्क्स के, एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस, और आइस के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करें। ये हमारा एक 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसलिए आपने बड़ी तवज्जो से बड़े समझना है हमारा आज का लॉन्ग क्वेश्चन। तो चलिए टॉपिक की तरफ आते हैं और देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ आइस में क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हम आज सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ आइस में मैं आपसे बात करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ वाटर के हवाले से, कि वाटर का स्ट्रक्चर कैसे होता है। बेटा पता है इन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इन द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, बेटे वो कहता है कि डायमंड की तरह वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है बेटे वो भी क्या होता है, वो टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल से मतलब इसके 4 कॉर्नर, 4 कॉर्नर वाला जो है वो टेट्राहेड्रल कंपाउंड होता है। ऑन 2 कॉर्नर्स लोन पेयर आर प्रेजेंट, बेटे जो 2 कॉर्नर है उन पर क्या मौजूद है, उन पे बेटे लोन पेयर मौजूद है। जैसे आप देख सकते हैं ये आपके सामने वाटर का जो है वो स्ट्रक्चर है, यहां पर यकीनन हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, यहां पर भी हाइड्रोजन एटम है, ये आपको लोन पेयर नजर आ रहा है, यानी कि ये एक कॉर्नर जो टेट्राहेड्रॉन का है लोन पेयर, दूसरा कॉर्नर भी जो टेट्राहेड्रॉन का है उसके लोन पेयर, यानी कि 2 कॉर्नर जो टेट्राहेड्रॉन के हैं उनके उन पर लोन पेयर होता है, जबकि जो दूसरे हमारे पास 2 कॉर्नर हैं उन पे बेटे लोन पेयर नहीं होता, उन पे क्या होता है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर से मतलब वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहा है। तो 2 कॉर्नर जो है 2 कॉर्नर लोन पेयर क्या बेटे मौजूद है, यकीनन हमारे पास बॉन्ड पेयर्स आर प्रेजेंट। तो इसका मतलब है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास वाटर का बन गया। वाटर है जो लास्ट पॉइंट इसमें ऐड करना चाहता हूं, सिमिलर स्ट्रक्चर किसके बेटे, टू डायमंड। डायमंड का बेटे जो स्ट्रक्चर होता है वो भी बेटे टेट्राहेड्रल होता है, और जो हमारे पास वाटर का स्ट्रक्चर है इसकी जो ज्योमेट्री है वो भी बेटे टेट्राहेड्रल होती है। तो ये बेटे हमारे पास पहली आइडिया है कि जो स्ट्रक्चर ऑफ वाटर है वो बेसिकली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखता है, वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखता है, उसके 2 कॉर्नर पर लोन पेयर होते हैं और बाकी 2 कॉर्नर पर बॉन्ड पेयर होते हैं, और इसलिए इसको टेट्राहेड्रल डायमंड जैसा बना देता है। अब हम नेक्स्ट हेडिंग की तरफ आते हैं, और बेटे जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है इन लिक्विड स्टेट, यानी कि लिक्विड स्टेट में क्या सिनेरियो है, लिक्विड स्टेट में किस तरह से हमारे पास जो है वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर रहे होते हैं ये बात हम करते हैं। तो बेटे देखिए वो कहता है कि इन लिक्विड स्टेट इन लिक्विड से मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर मोबाइल, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर
मोबाइल, मोबाइल यकीन आपको पता मुतहर्रिक मूव कर रहे होते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर मोबाइल। द एसोसिएशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स makes and breaks मेरे को कहता है कि मॉलिक्यूल जो है लिक्विड फॉर्म में मुतहर्रिक होते हैं, मोबाइल होते हैं। और मोबाइल का बेटे क्या मतलब है, वो मूव कर रहे होते हैं। एक वाटर का मॉलिक्यूल अभी एक वक्त में यहां है, थोड़ी देर बाद वो यहां चला जाए, थोड़ी देर बाद भी यहां चला जाए, थोड़ी देर बाद वो यहां आ जाएगा। इसका मतलब है उनकी आपस में एसोसिएशन बनती भी है और बन के टूटती भी है। तो इस लिक्विड फॉर्म में मेरे बेटे हमारे पास जो वाटर है ना, आप कह लेंगे इन दिस फॉर्म इट डज नॉट हैव स्पेसिफिक शेप। आप ये कह लीजिए कि इन दिस फॉर्म इन लिक्विड फॉर्म इट डज नॉट हैव क्या बच्चों, इट डज नॉट हैव स्पेसिफिक शेप। कोई इनकी स्पेसिफिक शेप नहीं कि मॉलिक्यूल जो है वो, मतलब आप जानते हैं लिक्विड को जिस कंटेनर में ऐड करें उसी की शेप क्या कर, कोई उनकी डेफिनेट शेप इस फॉर्म में नहीं पाई जाती। ये देखिए आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, ये डायग्राम यकीनन आप साथ बनाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं ये बेटे ऑक्सीजन है, इसके साथ ये दो हाइड्रोजन अटैच है, ये सॉलिड बॉन्ड जो है ये इंट्रा मॉलिक्यूलर कोवलेंट बॉन्ड को जाहिर कर रहा है। फिर ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, एक वाटर का मॉलिक्यूल ये है, इन दोनों के दरमियान ये जो डॉटेड ग्रीन लाइन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को जाहिर कर रहा है। तो आप देख रहे हैं लिक्विड फॉर्म में मॉलिक्यूल बड़े फैले हुए होते हैं, दूर दूर होते हैं। मतलब एक ऑक्सीजन यहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ है, हाइड्रोजन, मतलब ये बड़ा एरिया इन्होंने कवर किया हुआ है, काफी जो है वो जगह पर मॉलिक्यूल जो है वो उन्होंने काफी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई। तो ये लिक्विड फॉर्म में इनकी सूरत हाल है कि जब मॉलिक्यूल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो हमने क्या बात की, हमने बात की कि वो मोबाइल होते हैं और उनके दरमियान जो एसोसिएशन है वो क्या करती है, बनती भी है और टूटती भी। यानी कि एक वक्त में एक मॉलिक्यूल, अगर सपोज ये मॉलिक्यूल है वाटर का, ये चलता हुआ आ रहा है जिसके करीब आया, इनके दरमियान एसोसिएशन बनी, अगर ये चल के अभी इधर आ गया इसका मतलब एसोसिएशन टूट गई। तो इसका मतलब है एसोसिएशन बनती भी है, बन के टूटती भी है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल मोबाइल होते हैं, इसलिए इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं पाई जाती। बात क्लियर हो गई? अब नेक्स्ट हम हाइलाइट जो बनाने जा रहे हैं, बड़ा ही इसमें फेमस पॉइंट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज हैं बेटे, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर के बेटे जब हम इस लिक्विड का जो टेम्परेचर है उसको डिक्रीज करेंगे तो बेटे हमारे पास क्या सिनेरियो बनेगा, क्या चेंजेस आएंगी वाटर के अंदर, उसकी स्ट्रक्चर के अंदर, उसकी डेंसिटी के अंदर। ये बातें आपने बड़ी तवज्जो से और बड़े गौर से इन बातों को आपने समझना है। तो बात ये है बेटे कि एज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज डिक्रीज, एज द टेम्परेचर ऑफ वाटर जैसे बेटे हम वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, एज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज डिक्रीज द मॉलिक्यूल्स स्टार्ट्स टू अरेंज, themselves
बेटे लिक्विड के जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या करना शुरू कर देते हैं, अरे ये होना शुरू हो जाता है, यानी कि ये लिक्विड के मॉलिक्यूल से इसको ये लिक्विड का मॉलिक्यूल यहां पे था, ये यहां पे था, ये यहां पे, ये चार मॉलिक्यूल से लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जब टेम्परेचर डिक्रीज किया तो ये मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गए, अरेंज होना शुरू हो गए, इनके अंदर जो आप कह लेंगे पहले ये बड़े वाइड थे लेकिन अब ये अरेंज होना शुरू हो गए हैं, एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गए हैं। एज द टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीज द मॉलिक्यूल स्टार्ट टू अरेंज देमसेल्फ। फिर क्या होता है, द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर एंड लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसेस आर क्रिएटेड बिटवीन द मॉलिक्यूल ड्यू टू विच, बेटे जिसकी वजह से आइस बिकम लेस डेंस एंड इट ऑक्यूपाइज क्या बेटे 9% मोर स्पेस। बेटे बात ये है कि मैं आपको सादा सी मिसाल देता हूं, जब आप ना पानी का जो है वो बर्फ बनाने के लिए एक बर्तन में पानी रख देते हैं फ्रिज के अंदर फ्रीजर में, तो आपने एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा करना है कि जब आप वाटर उसके अंदर रखें आप वाटर का लेवल चेक करें और जब बर्फ बन जाए तो फिर जब आप निकालेंगे उसको तो फिर आप दोबारा लेवल चेक करेंगे। आप एक बात नोट करेंगे कि वाटर का लेवल कम था लेकिन जब बर्फ बनी तो उसका लेवल थोड़ा सा ज्यादा हुआ हुआ था, उसकी वजह क्या होगी बेटे, उसकी वजह यह है कि मॉलिक देखे ना पहले मॉलिक्यूल बड़े दूर दूर थे, अभी मैं इस तरफ आता हूं, यहां पर क्या हुआ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लाजमी आपने हाईलाइट करना, इसमें एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुई, फिर क्या हुआ ड्यू टू विच आइस बिकम लेस डेंस, ये लेस डेंस होना शुरू हो गई और इसने आपको पाई की क्या बेटे 9% मोर स्पेस। बच्चों आपको पता है कि आप ये बात जानते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल की जो डेंसिटी होती है ना वो बराबर होती है किसके, उसके मास डिवाइडेड बाय उसके वॉल्यूम। इसका मतलब है डेंसिटी जो है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा कितना वॉल्यूम बढ़ रहा है 9% इसने वॉल्यूम ज्यादा हो पाएगा, इसका मतलब ये क्या हो गई लेस डेंस, और लेस डेंस होने की वजह से बिकम लेस डेंस एंड ऑक्यूपाई 9% मोर स्पेस इट मेक्स आइस टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर। वेरी वेरी फेमस शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर, बहुत दफा हमारे पेपर में आया कि व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वॉटर, क्यों आइस फ्लोट करती है सरफेस ऑफ वॉटर पर, क्यों फ्लोट करती है उसकी लेस डेंसिटी की वजह से, लेस डेंसिटी उसकी क्यों हो जाती है क्योंकि जब हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करने की वजह से जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और उनमें एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज्यादा है, ये सारी की सारी स्पेस है, ये बेटे कौन सी स्पेसेस हैं, ये सारी की सारी एम्प्टी है, ये सारी की सारी कौन सी स्पेसेस हैं, ये सारी की सारी एम्प्टी स्पेसेस है, ये आप लिख रहा नहीं मैं बस समझाने के लिए, ये सारी की सारी एम्प्टी स्पेसेस। अब आप एक और बात नोट करें, देखिए ये वाटर का मॉलिक्यूल बड़ा करीब कंडेंस हो गया, चल फिर ये वाटर का मॉलिक्यूल बड़ा करीब कंडेंस हो गया, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल पहले इस तरह फैले हुए थे, अब वही वाटर के मॉलिक्यूल बड़े करीब हो गए और उनमें एंटी स्पेस बढ़ गई, और एंटी स्पेस बढ़ने से वो 9% मोर स्पेस ऑक्यूपाई करता, और 9% स्पेस ऑक्यूपाई करने की वजह से मोर स्पेस वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की वजह से उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती,
और डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से आइस स्टार्ट्स टू फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। इसी तरह अब हम ये आपके सामने स्ट्रक्चर ऑफ आइस लाजमी बनाना है, इसको दो स्ट्रक्चर मस्ट है जो आपने बनाने, ये आपको समझाने के लिए बनाया गया, ये स्ट्रक्चर वाटर का और ये आइस का, ये हमारे बुक में भी गिवन है, इनको आपने अच्छी तरह से बनाना है और इनको ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। तो चलिए डिक्रीजिंग द टेम्परेचर करने के बाद इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नोट करने के बाद कि आइस क्यों वाटर की सरफेस पे फ्लोट करती है वो बताने के बाद हम अब नेक्स्ट अपनी हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हमारे पास है कि बड़ा ही ये भी इसमें भी एक बड़ा फेमस शॉर्ट क्वेश्चन है कि सर्वाइवल ऑफ फिशेज, या सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ, एक्वाटिक लाइफ, ये बेटे हमारे पास लास्ट इस लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग है एक्वाटिक लाइफ। बच्चों बात ये है कि इन पाउंड एंड लेक्स ड्यूरिंग कोल्ड विंटर बेटे, मतलब वो पाउंड या वो लेक्स जो बड़े नॉर्दर्न एरियाज में बलाई इलाकों में पाई जाती हैं, जैसे आपको पता है वो लेक्स जम जाती हैं, फ्रीज हो जाती हैं अपर सरफेस से, हम वहां बात कर रहे हैं कि वहां पर नीचे आप देखें बर्फ से नीचे जाएं वहां पर एक्वाटिक लाइफ सर्वाइव कर रही होती है। एक्वाटिक लाइफ जो है वो वहां पर वो बिल्कुल उसी तरह से जो है वो जैसे नॉर्मल वाटर में सर्वाइव करती वैसे सर्वाइव कर रही होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ क्यों है, इसमें भी क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, ये बात मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। वो कहता है कि इन पाउंड एंड लेक्स ड्यूरिंग कोल्ड विंटर, ड्यूरिंग कोल्ड विंटर मतलब बहुत कोल्ड का मतलब है यह ठंडी, तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा सर्दी में जब बर्फबारी होती है बेटे तब की बात हो रही है। इन द पाउंड एंड लेक्स ड्यूरिंग कोल्ड विंटर द अपर लेयर स्टार्ट्स टू फ्रीज, बेटे वो जमना शुरू हो जाती है, अपर लेयर ऑफ वाटर स्टार्ट्स टू फ्रीज फ्रॉम सरफेस, यानी कि सरफेस से टू, फ्रॉम सरफेस टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, बेटे सरफेस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है वो क्या करती है वो बर्फ जो है वो जमना शुरू हो जाती है, सरफेस का टेम्परेचर कम होता है वहां पर आइस की लेयर बनती है, फिर आगे वो नीचे की तरफ ट्रांसफर होना शुरू होती है, फिर होता क्या है गलत मुझे भी। अब बेटे वो कहता है कि जो अपर सरफेस है दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तवज्जो करती हूं, अपर सरफेस अटेन्स टेम्परेचर ऑफ, तो ये अब हम इसको जरा जो है वो उधर लिखते हैं जरा देखिए जी, तो अब देखिए हम बात कर रहे थे कि जो अपर लेयर है वो अटेन कर लेती है क्या बेटे, अपर लेयर अटेन द टेम्परेचर ऑफ फोर डिग्री सेंटीग्रेड, बेटे अपर लेयर का जो टेम्परेचर है बाहर जब मतलब ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है तो अपर लेयर का जो दर्जा है तो वो 4 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर मजीद से भी मजीद टेम्परेचर डिक्रीज हो फर्दर डिक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज इन टेम्परेचर Mm-hmm.
मेक्स आइस लेस डेंस ड्यू टू विच इट रिमेन्स ऑन द अपर सरफेस. इट रिमेन्स ऑन द अपर सरफेस एट अबाउट टेम्परेचर जो होता है बेटे वो इसका तकरीबन 0 डिग्री सेल्सियस होता है. और 0 डिग्री सेल्सियस पर इसकी डेंसिटी बेटे कम हो जाती है वाटर की डेंसिटी. इसलिए ये ऊपर फ्लॉट फ्लॉट क्यों करेगी यकीन इसकी डेंसिटी कम होगी ये अपर सरफेस पर रहेगी. इसका मतलब है ये नीचे नहीं आ रही. अगर आइस बन भी रही है तो वो वाटर की अपर सरफेस पर रहेगी. लो डेंसिटी की वजह से ऊपर ही तह बनी रहेगी. वो आइस नीचे नहीं आ रही वो ऊपर लो डेंसिटी की वजह से वो ऊपर जो है वो मौजूद है मेरे बेटे. और वो क्या करती है अब ये लेयर क्या करती है ये भी यकीन मैं आपको बताऊंगा. पहले थोड़ा सा ये डायग्राम मैंने बनाई है ताकि आपको बात को समझा सकूं. मेरे बेटे बात ये है कि जब कोल्ड विंटर होता है तो यकीनन बर्फबारी का मैं इसको ब्लैक कलर में बनाऊंगा जो स्नो फॉलिंग है इसको ताकि आपको बाद में समझा सकूं. ये स्नो फॉलिंग है यकीनन वाटर की जो टेम्परेचर होगा अपर लेयर का वो डिक्रीज होगा. और जब वाटर का टेम्परेचर बेटे डिक्रीज होगा तो वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज होने से बेटे जो अपर लेयर है ऊपर वाली लेयर ये ऊपर वाली लेयर ये बेटे स्टार्ट होना शुरू हो जाती है टू कन्वर्ट. किसमें मेरे बेटे कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है इट स्टार्ट्स टू कन्वर्ट इनटू आइस बर्फ बनती है. और ये ऊपर वाली लेयर जो है ना वो तकरीबन टेम्परेचर पहले अटेन करती 4 डिग्री सेल्सियस बेटे ये एमसीक्यू में बड़ी दफा आया हमारे एनुअल पेपर इंटी टेस्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो डेंसिटी होती है ना वाटर की वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर याद रखिए. लेकिन हमने बात की है टेम्परेचर जब फर्दर डिक्रीज होता है तो क्या होता है आइस कम डेंस हो जाती है वाटर से. और कम डेंस होने की वजह से क्या करती है इट रिमेन्स. अब यहां पर जब टेम्परेचर जीरो से भी क्योंकि माइनस में हो जाता है तो यकीनन फिर ये जो आइस है बेटे ये आइस की जो लेयर है ये ऊपर ही अपनी फ्लोटिंग की कंडीशन में बेटे यकीनन यहां पर रहेगी. अब ये एक ब्लैंकेट मार दिया ये एक लेयर मार दी ये मैंने ग्राफ बनाया. जीरो पर इसकी मिनिमम होती है फिर आगे वन पर बढ़ जाती है टू पर और बढ़ जाती है थ्री पर बढ़ जाती है फोर पर वाटर की डेंसिटी बढ़ जाती है मैक्सिमम होती है. और मेरे बेटे फिर इसके बाद फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है. तो इसका मतलब है यहां पर जीरो पर आइस की डेंसिटी जो है वो वाटर की डेंसिटी से कम होती है इसलिए वो फ्लोट करना शुरू कर देती है ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर. और अपर सर्फेस जो है वो बना देती है आइस की. अब देखिए अब इस सवाल का जवाब तो हुआ ही नहीं कि क्यों फिशर सर्वाइव करती है. बेटे वो कहता है दिस लेयर एक्ट एज अ ब्लैंकेट दिस लेयर ऑफ आइस एक्ट एज अ ब्लैंकेट एंड इट डज नॉट अलाउज टू मूव हीट डिड नॉट अलाउ द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम वाटर बीनीथ. इसका मतलब बच्चों जो पानी पानी नीचे है उस में से हीट को ये बाहर यानी अगर सपोज आप कहते हैं कि ये हीट बाहर आना चाहती है ये हीट है ये बाहर आना चाहती है ये आइस की जो लेयर है वो इसको रिपेल करेगी आइस की लेयर इसे रिपेल करेगी. इसका मतलब बेटे ये हुआ कि ये जो आइस है दैट इज एक्टिंग एज एन इंसुलेटिंग लेयर दैट इज एक्टिंग एज अ ब्लैंकेट विच यू कैन से डज नॉट अलाउ वाटर टू टू रिलीज द हीट टू dissipates its heat so that's why the heat retains
in the lower water and it's remain hot, its temperature remain feasible for the survival of fishes and aquatic life in ponds and lakes. तो इसके साथ बेटे हमारा ये आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होगा। अस्सलाम वालेकुम।